हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोना और मोना हाउसवाइफ ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरा ख़राब वॉशिंग मशीन जो हो चुका है, तो मैं उसे कैसे ठीक करने वाली हूँ। तो ये मेरा मैनुअल वॉशिंग मशीन है हायर कंपनी का। तो इसका ये प्रॉब्लम हो गया है कि इसे पानी ड्रेन ही नहीं हो पा रहा है। ड्रायर ठीक है इसका, पर यहाँ से जो पानी ड्रेन होता है तो वो पानी निकलने में कम से कम इसे 2 घंटा से 3 घंटा लग जाता है। तो यही मेरा मेन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बाज़ार जाने का क्या ज़रूरत, मैकेनिक को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना काम तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ये आज अपना वॉशिंग मशीन को ठीक करने वाले हैं। अंदर में दिखा दिए, ऐसा है अंदर में भी थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और जो इसका मेन प्रॉब्लम है पानी ड्रेन होने का, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरी देखिएगा। और यहाँ पे ये ड्रायर है, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ये सब ठीक ही काम करता है, ये सब ठीक ही काम करता है, बस पानी ड्रेन नहीं होता है। तो मैं आज इसे ठीक करने वाली हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तब लग जाती हूँ मैं अपने वॉशिंग मशीन को ठीक करने में। तो मेरा वॉशिंग मशीन उस खिड़की के साइड में है, तो क्योंकि ये रात हो रहा है तो मैं इस साइड में कर ले रही हूँ, क्योंकि इधर लाइट भी आएगा और काम भी करने में सुविधा होगी। क्योंकि आज मैं इनको दुकान नहीं जाने दी हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी काम था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कपड़ा जमा हो रहा था, भारी भारी कपड़ा जो हाथ से नहीं कर पा रहे थे। और पीछे जो मैं दिखाई इसे मैंने खोलना है, तो मैं इसे खोल देती हूँ। ये सब इतना काम मुझे आता है करने के लिए। तो ये नीचे में 3 ठो स्क्रू रहता है, तो इसे खोलना होता है। तो जो ये स्क्रू ड्राइवर था तो इससे मैं नहीं खोल पा रही थी, तो फिर मैं दूसरा वाला लाई तो इसे खुल गया। और ये 3 ठो जो था मैं खोल ली हूँ। अब मेरे देखिए पति देव इसे कैसे निकाल रहे, बस हल्का सा किसी नुकीला चीज़ से पुश करने से ये पूरा निकल जाता है। और ये देखिए निकल गया है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, यही जो सादा जैसा एक मोटा पाइप दिख रहा है ना, ये जो मैं दिखा रही हूँ, तो इसी में गंदा जमा हो जाता है, जिसके वजह से पानी नहीं निकल पाता। ऊपर में एक कैप दिख रहा है आपको, तो वो मेन कैप खोलना है। तो ये कैप को खोल रहा है, और खोलने के बाद ऊपर में एक और आपको छोटा सा रिंग जैसा दिख रहा होगा, तो उसी से ये फंसा हुआ रहता है। तो उसको हल्का से नोच प्लस से उसको खोलना होता है। तो वो बैठा गया है नोच प्लस लाने के लिए, और तब तक इसका कैप वो खोल दिए हैं। और जब ऊपर से वो रिंग खुल जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, मतलब सिर्फ फंसाया हो रहा था हुक के जैसा। तो बस यही इसमें करना होता, और कुछ ज़्यादा नहीं करना था। ये खोल के अच्छा से साफ सफाई करना था। ये जब खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कितना सारा गंदा जमा हुआ था। या ये हर 6 महीने में ये प्रॉब्लम होता ही है, तो बस ऐसे ही ये साफ हो जाता है। और ये देखिए हुक्के जैसा जो फंसा हुआ है तो वो खुल गया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हुआ जमा, ये पूरा ब्लैक कलर का है, इसमें पूरा क्लियर गंदा जमा हुआ है, पूरा गंदा जमा। जो कपड़े सब गंदा होता है तो वही सब जमा हुआ है, तो इसको अच्छा से साफ करना है। और जो व्हाइट कलर का वो पाइप दिख रहा है ना, तो फिर पानी के अंदर भी गंदा पूरा जमा हुआ, इसी के कारण पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। तो अब इसे अच्छा से पूरा साफ सफाई करना है। और ये अंदर का जो कपड़ा घूमता है तो इसे भी खोलना होता है। तो इसका बीच में भी एक स्क्रू रहता है, तो उसको भी वो खोल रहे हैं, और हल्का सा इसको भी पुश करने से ये भी खुल जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा जमा हो जाता है, इसमें जितना भी छोटा छोटा होल रहता है सभी में गंदा फंसा हुआ रहता है। तो ये सभी को अच्छा से साफ करना होता है। तो ये देखिए खुल चुका है, ये सभी जाम हो गया। तो इसे अच्छा से सभी होल को साफ करना है ब्रश से। और इसके अंदर भी मैं दिखाती हूँ इसके अंदर में कितना गंदा जमा हुआ है।
ये पहले इसका पाइप तो साफ कर दे रहे हैं, उसके बाद देखिए इसके अंदर में जो वो खोले थे इसके अंदर में कितना गंदा जमा हुआ था। यही सब कारण होता है कि पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। तो ये अच्छा से ये इधर साफ़ कर रहे हैं, और सिंक में मैं इसका जो वो होता है नाम तो नहीं जानती हूँ, जिससे कपड़ा घूमता है, तो मैं वो साफ़ कर ले रही हूँ। और पानी गिराने के बाद साफ हो गया ये अच्छा से, अब पानी इसे आराम से निकलेगा। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम होता है, पानी जमा होता है। मैं भी इसे साफ़ कर रही हूँ, तो ये जब साफ़ हो जाएगा तो ये उसमें फिर ये फिट कर देंगे। और ये इस पाइप में आप देख रहे हैं कि पानी मारने से अब पानी ड्रेन हो रहा है कि नहीं। तो वो ऊपर से वो बेटा पानी दे रहा है बोतल से, और ये चेक कर रहे हैं कि अब पानी निकल रहा है कि नहीं। अगर पानी नहीं निकलता तो और इसका और ये और जगह से इसका साफ़ करने को उपाय था, तो उस वो भी साफ़ हो जाता। तो बस इसमें वही अब चेक कर रहा है पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो पानी बहुत अच्छे से निकल जा रहा था, अब दिक्कत नहीं हो रहा था। तो मेरा मैं अपना वॉशिंग मशीन ऐसे ही ठीक करती हूँ। देखिए पानी डाल रहा है बेटा, और सारा पानी तुरंत का तुरंत निकल जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको अच्छे से साफ सफाई हो ही गया है अच्छा से। और एक ठो चीज़ है साफ़ करने का, वो मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए पानी इधर से पानी आता है, और लंबा वाला पाइप से होकर फिर नीचे अंदर वाला पाइप से चला जाता है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये खुद से ही हो जाता है। साफ नहीं होता, ये देखिए इसका अंदर भी अंदर जमा पूरा पीला हो गया है। जब साफ हो ही रहा तो अच्छे से साफ कर दूँ। और इसका जो ये ब्लू कलर का नेट दिख रहा है इसे अच्छा से खोलना है, और खोल के उसे भी अच्छे से ब्रश मार के साफ करने से, तो चाहे तो एसिड से भी साफ कर सकते हैं, बहुत जल्दी साफ हो जाता है। पर एसिड हाथ से नहीं छूना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ही ब्रश से ही साफ कर दी। और इसके अंदर भी थोड़ा मोड़ा ये मतलब दाग धब्बा हो जाता है, तो मैं इसे भी अच्छा से स्कॉच ब्राइट से साफ कर ले रही हूँ, ताकि फिर मेरा मशीन अब अच्छा से कम 6 महीना 7 महीना कुछ डिस्टर्ब हमको ना करे, और मैं अच्छा से इसमें कपड़ा धो सकूँ। क्योंकि ये हमारे सभी लेडीज़ का इतना यूज का सामान है कि ये ख़राब हो जाएगा तो काम नहीं चलता, चाहे ये हो अच्छा है मिक्सर ग्राइंडर हो। मेरा मिक्सर ग्राइंडर भी ख़राब हो गया है, तो उसे मैं ठीक नहीं करूँगी, उसे मैकेनिक ही करेगा, क्योंकि मैं अभी चाट मसाला बनाई थी तो वो भी ख़राब हो गया था, तो उसे भी ठीक कराना है। और ये देखिए मेरा पूरा अंदर से भी अब साफ 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 हो गया अच्छा से। तो मैं पानी मार के गिरा दे रही हूँ, अभी मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं काम से, तो आधा घंटे में आ जाएंगे तो पूरा सेटिंग कर देंगे। बस इतना ही सब तो काम रहता है, और इतना सही काम के लिए मैकेनिक को क्या बुलाना, इतना सही काम के लिए मैकेनिक 1500 तो डिमांड करता ही करता, 800 रुपये तो सिर्फ खोलने का ही वो लेता है। और ये देखिए मेरा पूरा सामान साफ हो गया है, जो काला वाला जो ये शुरू में था तो दिन इसमें रिंग लगा हुआ है, तो ये भी देखिए पूरा अच्छा से साफ़ हो गया। अब बस वो आएंगे और इसे अच्छा से सेट कर देंगे, इसे भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ, सिर्फ ये सेट हो जाएगा और मेरा वॉशिंग मशीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा कपड़ा धोने के लिए हो जाएगा। अगर आपका भी ख़राब होता है तो आप भी ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, कोई मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पूरा अच्छा से साफ हो गया, मैं पोंछ भी दी थी, और ये अब ये आ गए हैं। और ये ऐसे सिर्फ फंसाना होता है, तो ये ऊपर में फंसा देंगे, और नीचे में जो मैं फर्स्ट में दिखाई थी तीन ठो स्क्रू लगेगा, तो बस इसे अच्छा से कस देना है। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे मेरा शेष होता है, और आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है, प्लीज़ मेरे
वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरी देखा कीजिए, स्किप मत के स्किप कर कर बिल्कुल भी मत देखिए। और ये मेरा वॉशिंग मशीन पूरा सेट हो गया है, तो इसी के साथ आज ब्लॉग शेष होता है और आज के लिए गुड नाइट, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और बोलिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए। बाय बाय।